सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग बाइनरी सर्च ट्री के अंदर सर्च को कोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एलिमेंट को किस तरह से सर्च करेंगे ये हम लोग देखेंगे। तो मैं जल्दी से यहाँ पर सबसे पहले अपनी वो वाली फाइल खोल लेता हूँ जहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बाइनरी ट्री ऑलरेडी बनाकर दिखाया था। ऐसा हम लोगों ने किया था 72 वीडियो में, एक ऐसा बाइनरी ट्री बनाया था जो कि बाइनरी सर्च ट्री भी था। हमने इस चीज़ को वैलिडेट किया था, एक फंक्शन लिखा था जिसका नाम था isBST, यानी वेदर इट इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री और नॉट, 0 या 1 के हिसाब से रिटर्न कर रहा था। कुछ कमेंट्स आए थे, उसमें लोग कह रहे थे कि यार 10 क्यों प्रिंट कर रहे हो, ऐसे प्रिंट कराओ ना, दिस इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री, दिस इज़ नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। तो यार आप इफ़ के अंदर isBST लिख सकते हो कुछ इस तरह से, आप इस फंक्शन को इफ़ के अंदर लिखो और ये बता देगा BST है कि नहीं। तो यार ये काम तो आप कर सकते हो, कम ऑन यार गाइज, क्या यार। और यहाँ पर इसको कमेंट करने के बाद मैं इसको चलाऊंगा तो आप लोग देखो दिस इज़ अ BST आ गया। खैर ये सब छोड़ते हैं, अभी हम लोग जल्दी से अपनी एक नई फाइल बनाते हैं जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ 73_, और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ सर्च, और मैं यहाँ पर क्योंकि रिकर्सिव लिखूंगा और BST लिखूंगा .c, थोड़ा बड़ा नाम हो गया मुझे मालूम है, बट मैं यहाँ पर करूंगा क्या कि अपना ये जो 72 वाला वीडियो था इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर ऑलरेडी एक BST बना हुआ है, देखो आप लोग 5 के बाद यहाँ पर राइट में 6 आ रहा है, लेफ्ट साइड में 3 आ रहा है, 3 के राइट में 4 आ रहा है। हमने देखा था BST क्या होता है, जिसके राइट साइड में सारी वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज़ छोटी होती हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट है उससे। तो 3 के लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी, 3 के राइट साइड में सारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी। हमने यहाँ पे लिंक के जिस किए थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, ये सब चीज़ें यार हमने काफ़ी देख ली। हमारा ट्री यहाँ पर बना हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सब को मैं हटाता हूँ, हम लोग इंसर्ट, सर्च, डिलीट, ये सब चीज़ें देखेंगे। अभी नंबर सर्च का है, ठीक है, तो सर्च को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक सर्च फंक्शन लिखूँगा और उसको यहाँ पर कॉल करूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि यार मैं P और कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मान लो 7 को मैं सर्च करना चाहता हूँ, ये मैं अगर इस तरह से सर्च करना चाहूँ तो मुझे मिल जाए, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर हम मुझे नहीं मिलता है तो यहाँ पर नल मुझे यहाँ पर रिटर्न होके मिल जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करूँगा क्या के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड स्टार, और मुझे यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार लिखना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड स्टार सर्च, और मैं यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार, और मैं यहाँ पर लिखूंगा रूट और इंट की। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिखूँगा इफ़ रूट इक्वस टू नल, अगर रूट मेरी नल है तो मैं रिटर्न कर दूंगा नल को, ठीक है, वरना मैं क्या करूँगा। देखो सबसे पहले मैंने कह दिया कि यार अगर रूट नल है यानी कि कुछ है ही नहीं तो यार नल ही रिटर्न करो, ठीक है। और यहाँ पर अगर की मेरी हो जाती है बराबर रूट के डेटा के, ठीक है, यानी कि जो रूट में डेटा है वो की के बराबर हो जाता है, यानी कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है, वो एलिमेंट मिल चुका है जिसकी हम सर्च में थे, तो रिटर्न मैं कर दूंगा रूट को। वरना क्या होगा, एल्सिफ अगर जो मेरा मेरी जो की है वो छोटी है किसके, रूट के डेटा से, यानी कि जो भी हम देख रहे हैं उसके डेटा से छोटी है, तब क्या करेंगे, तब हम कहेंगे कि यार सेम काम करो लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में, यार जब की छोटी है इसका मतलब वो लेफ्ट सबट्री में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अब रूट के लेफ्ट में तलाशना शुरू कर दो किसको, की को। और वरना क्या होगा, वरना ये होगा, देखो अगर कोई चीज़ ना ही इक्वल है और ना ही छोटी है तो वो बड़ी होगी ना, तो मुझे यहाँ पर कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली एल्स लिख दूंगा। और इस बार मैं राइट साइड में सर्च करूँगा। यार देखो जिसको समझ में नहीं आया वो ध्यान से पिछला वीडियो देख लो पहले तो, और अगर ये बात सुन लोगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ तो आ ही जाएगा पक्का समझ में। देखो यहाँ पर मैंने इफ़ रूट इक्वल्स टू नल लिखा, यार अगर नल डाला तो इसको छोड़ दो, नल आएगा, ठीक है, रिटर्न में। बट अगर जो की इक्वल्स टू रूट डेटा, यानी कि अगर जो की है वो रूट के डेटा के बराबर है, यानी कि वो एलिमेंट वहीं पर मौजूद है, तो यार हमें हमारी जो तलाश की चीज़ थी वो मिल चुकी है, तो मैं रिटर्न रूट कर दूंगा। else if, वरना अगर की छोटी है तो मैं क्या करूँगा, रिकर्सिव सर्च को रन करूँगा किसके लिए, लेफ्ट सबट्री के लिए, पूरे लेफ्ट सबट्री के लिए मैं सेम काम करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मेरी जो की है वो बड़ी है रूट डेटा से, तब मैं सर्च को रन करूँगा राइट सबट्री के लिए। अब की बड़ी क्यों होगी रूट के डेटा से, यार देखो बड़ी इसलिए होगी क्योंकि जो चीज़ बराबर ना हो सकी ना छोटी हो सकी वो बड़ी ही होगी ना,
अगर आप कहते हो कि यार मेरा भाई जो है वो ना मुझसे उम्र में बराबर है ना ही वो मुझसे उम्र में छोटा है, तो यार वो उम्र में बड़ा ही होगा ना। तो वही बात है, यहाँ पर एल्स लगा के मैंने ये चला दिया और अब यहाँ पर मैंने सर्च को कर दिया, 7 एलिमेंट में इसमें खोज रहा हूँ और मुझे क्या मिलेगा, एक पॉइंटर मिलेगा। इसको मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँगा तो मुझे एक ऐसा पॉइंटर मिलेगा जो कि पॉइंट कर रहा होगा इस तरह के नोड को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक नोड बनाऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर struct node star n is equal to ये। अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करके यहाँ पर देख लूँगा कि मेरा ये जो नोड है वो क्या है, ठीक है, कि पॉइंटर है वो क्या है। मैं क्या करूँगा, इसके डेटा को प्रिंट करूँगा, मैं n के डेटा को प्रिंट करूँगा और मैं चेक करूँगा कि क्या ये नल है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर परसेंटेज डी करके करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा फाउंड और स्पेस दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूँगा कि इफ़ एन इज़ नॉट इक्वल्स टू नल तब क्या करो, तब ये करो जो मैंने लिखा हुआ है, वरना क्या करो, वरना लिखो एलिमेंट नॉट फाउंड। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, लिखो प्रिंट एफ करो और लिखो एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, कुछ इस तरह से करो और इसको रन कर दो। इसको रन करके यहाँ पर देखो एलिमेंट नॉट फाउंड, या 7 है ही नहीं तो एलिमेंट नॉट फाउंड। अच्छा अगर मैं 3 लिख दूँ यहाँ पर तो एलिमेंट है इस BST के अंदर, इस BST के अंदर ये एलिमेंट है, 3 है तो यहाँ पर फाउंड 3, ठीक है। अगर मैं 1 कर दूँ तो, अगर मैं 1 कर दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो फाउंड 1। अच्छा 10 कर दूँ तो, 10 नहीं है इस BST के अंदर, देख लो 10 इस BST के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। मैं नहीं लिखूँगा, मतलब मेरा प्रोग्राम रिटर्न करेगा मुझे। तो ये जो प्रोग्राम है वो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को समझा रखा है, आप लोग इसके लास्ट वाला जो वीडियो है वो जाकर देख सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और यहाँ पर ये जो है मेरा वीडियो नंबर 74 है, तो वो भी मैं फिक्स करूँगा यहाँ पर जल्दी से, ये मेरा वीडियो नंबर 74 होने वाला है, तो ये भी ज़रा सा ठीक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 74 मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। आई होप कि आप लोगों को यार ये प्रोग्राम समझ में आ गया। क्विकली मैंने ये प्रोग्राम आप लोगों को बनवाया और मैं बस यही चाहता था कि आप लोग जल्दी से इस प्रोग्राम को बना के देखें और समझें कि यार मैंने यहाँ पर किया है तो क्या किया है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर ली होगी, अगर आपने ये नहीं की है प्लेलिस्ट एक्सेस तो इसको कर लेना एक्सेस ज़रूर से। सो गाइज आई होप आप लोग ये कोर्स इन्जॉय कर रहे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।